सर क्या मामला है पूरा? हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन थी एक बंदे के यहाँ छिपे होने की, वेपन के साथ और चोरी की गाड़ी के साथ, तो इसके लिए इन्होंने एम्बुलेंस लगाया। तो जब ये बंदा आया गाड़ी चलाने के लिए, अपनी गाड़ी ले जाने के लिए, तो इसको रोका, चेतावनी दी कि आप ये अपने आइडेंटिटी बताएं, अपने आप को पुलिस के हवाले करें, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएँ। तो इसने भागने की कोशिश की और पहले पीछे एक गाड़ी में इसने टक्कर मारी, फिर आगे पुलिस वाले हमारे बंदे चले थे उनमें इसने टक्कर मारी। उसको चेतावनी भी दी हुई 3 बार कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले करें और अपनी आइडेंटिटी बताएं और गाड़ियों में कागज़ दिखाएं। इस चीज़ ने जब ये नहीं माना, हमारे पुलिस वाले में टक्कर की, फिर इसने भागने की कोशिश में हमारे ऊपर फायर किया। इसके रिटालिएशन में 2 फायर हमारी तरफ से भी हुए, जिसमें अभी तक किसी को कोई चोट नहीं है। बाकी हम इसके इन्वेस्टिगेशन। सर ये गाड़ी क्या चोरी की थी? हाँ, ये गाड़ी अभी तक हमारी नज़र में चोरी। तो इसमें कोई गिरफ्तार अभी तक हुआ या फरार हो गया? नहीं, बंदा एक है जो हमारे कब्जे में, उसको कब्जे में ले लिया। तो जो क्या गाड़ी नाम बताया गया इसके ऊपर? पहले भी कुछ मुकदमे बताए गए? हाँ, इसके ऊपर पहले से मुकदमे हैं, वो हम देख रहे हैं। मुकदमे हैं, मुझसे डिनाई नहीं कर पाए। और ये बंदा, नाम इसका सुजान सिंह है, 48 ईयर ओल्ड है, भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। ठीक है। किस गैंग से संबंध रखते हैं सर? कुछ है ऐसा? हर जगह गैंग नहीं आता, कहीं से इंडिविजुअल आदमी काम कर।